सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेट्स असम्बल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने आई मोबाइल यानी आईसीआई बैंक के जो एप्लीकेशन होता है उसमें आपको फिंगरप्रिंट कैसे सेट करना होता है, इनेबल करना होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी अदर ब्रांच में। जैसे कि आपका अकाउंट मान लीजिए कहीं और है जहाँ पर अभी आप जॉब कर रहे हैं, और जॉब करने के बाद में वहाँ आप जॉब छोड़ देते हैं बाई चांस, और फिर आप अपने घर आ जाते हैं और आपके घर के आसपास में कोई ब्रांच होती है तो आप वहाँ पर किस तरीके से अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे बहुत इजीली, क्विक एकदम। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए कि मैंने किस तरीके से फिंगरप्रिंट को ऐड किया था। तो चलिए सबसे पहले हम इसको आई मोबाइल जो होता है आईसीआई का, वो उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो देखिए इसमें आपका लॉगिंग विद यानी लॉगिंग आपको फिंगरप्रिंट से करना है या अपने पिन नंबर से। तो मैं अभी फिंगरप्रिंट से अपना इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए ये ऑथेंटिकेट कर रहा है मेरे फिंगर को, और ये ऑथेंटिकेट करने के बाद में मेरा फिंगर जो है काम कर गया है सक्सेसफुली और मैं इसमें लॉग इन हो चुका हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस मिलता है। इंटरफेस इस तरीके से मिलता है जो फ्रंट में ही आपका आता है। आपको करना है सर्विसेज पे क्लिक। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से इसमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं सर्विसेज में। तो सबसे पहला जो ऑप्शंस है इसमें आपका आ रहा है अकाउंट सर्विसेज पे, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अकाउंट सर्विसेज पे क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको मैनेज सेंडिंग इंस्ट्रक्शंस और मैनेज पेज और इसके बाद में मैनेज बिलर्स लिंक अकाउंट ट्रांसफ़र योर अकाउंट यानी आपको ईसी पे आपको क्लिक करना है। ट्रांसफ़र योर अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही मैंने ट्रांसफ़र योर अकाउंट पे क्लिक किया तो इसमें जो मेरा अभी करंट अकाउंट यानी जो जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है उस ब्रांच का एड्रेस आ रहा है, आईसीआई बैंक अपोजिट आर्य समाज रोड करके इस तरीके से आ रहा है जहाँ पे मेरा फिलहाल में अभी ब्रांच है। ये पहले जो मेरा ब्रांच था पहले ओखला में था, ओखला फेस टू, फिर इसके बाद में मैंने इसको मुरादाबाद ट्रांसफ़र किया घर बैठे ही बैठे। और इसके बाद में मुरादाबाद से मेरा घर काफ़ी दूर था, लगभग 34 किलो के आसपास, 34 किलोमीटर दूर था। तो अब मैंने अपने अपने घर के आसपास अपने घर के पास में ही ब्रांच ओपन हुआ है नया, तो वहाँ इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए जैसे ही आप इसको ऑप्शन आएगा आपका इसमें यस और नो, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो अकाउंट ऊपर आ जाता है कस्टमर आईडी आ जाती है, उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है यानी आप किस स्टेट में इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने उत्तर प्रदेश से हूँ मैं तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। आप इसी में से जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी सिटी डाल देनी है। जैसे कि अभी मैंने क्या है संभल है हमारी सिटी अभी करंट, और मैं इसे वापस मुरादाबाद में लेना चाहता हूँ। तो मैं मुरादाबाद जैसे ही टाइप करना चाहूँगा यानी कर रहा हूँ उसी टाइम पे ही ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसने एंटर सिटी करके जो है यहाँ दो लोकेशन आ गई है मुरादाबाद की, दो ब्रांच आ गई हैं, उसमें मैंने आपको एक पे क्लिक करके दिखा दिया है। इस तरीके से जैसे ही मैंने मुरादाबाद सिटी पे क्लिक किया और सेकंड में आया सेलेक्ट यानी आप मुरादाबाद की कई ब्रांचें हैं आप कौन सी वाली में ट्रांसफ़र करना चाहते हो। जैसे कि एक ब्रांच हमारे यहाँ आ रही है चंदौसी में, एक मुरादाबाद में है, और एक दिल्ली रोड पर है, एक कांथ रोड पे है, और एक गांधीनगर रोड पे है। तो आप कौन सी वाली ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहते हो ये अकाउंट, तो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए जैसे कि दिल्ली रोड पे है तो मैं इसको अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद में आपको बस कुछ नहीं करना, सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपका नीचे ईमेल आईडी आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, और आपको बस सबमिट पे क्लिक कर देना है, और आपका जो अकाउंट है विद इन 5 या 10 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाएगा सक्सेसफुली। और इस दौरान आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है यानी कोई भी लेन देन नहीं करना है इस अकाउंट से जिस टाइम पर आप ये ट्रांसफ़र कर रहे हो। जब आप ट्रांसफ़र हो जाए सक्सेसफुली फिर उसके बाद में आप इसमें लेन देन कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताना मुझे। अगर वीडियो से आपको थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँ। और दोस्तों आप इसे लाइक कर दीजिए, इसे मुझे मोटिवेट होता हूँ मैं थोड़ा बहुत इससे कि मेरी वीडियो पसंद आ रही है लोगों को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।